रात का वक्त हो गया है, हमें भूख लगी है बहुत भयंकर, भंडारा ढूंढने के लिए निकले हैं, ये भंडारा नहीं मिल रहा है। ये आदमी जो बड़ा है विराट कोहली, ये ना सुबह खा चुका है काफी देर तक, 12 तरह की पकवान खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वापस भंडारा ढूंढ रहा है। हेलो सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा आपके साथ में रात को भंडारे में भी हम काफी देर तक पैदल चले, लेकिन अच्छा ये चीज रही कि रात को हमें भंडारा मिला और हमने खाना खाया बढ़िया तरीके से, और साधुवाद उनको भी देंगे जिन्होंने भंडारा लगाया। यार सोचो आप, 500-500 रुपए में मसाज होती है, यहाँ फ्री हो रही थी क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है, लाखों रुपए की मशीनें लगा रखी थी इतने बड़े व्यापारियों ने, बहुत अच्छी चीज है। बाबा साहब भी हैं शायद, उन्होंने तंबाकू खा लिया शायद हाथ में, तंबाकू खा, अब तंबाकू खा लिया बाबा साहब ने। एक छोटी सी चाय की टपरी है, और ये हमारे भाई साहब बहुत तेजस्वी हैं, ये तेजस्वी। थैंक यू सर। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है, तो चाय लो, चाय लो भाई साहब, चाय ले लेते हैं। सुरेंद्र माथुर चाय लेते हुए, सतवीर बना आप भी पीजिए, सुबह की चाय बहुत अच्छी चाय है। बाबा साहब सुस्ताते हुए, ये होटल जिसमें हम रुके हुए हैं, ये रोड है खाटू धाम रोड जाने वाला, इधर रिंगस है, इधर खाटू जी है, ये हमारी टपरी है जिस पर हम बैठे हुए हैं, चारपाई पर पूरा एंजॉय ले रहे हैं, बगल में खेत हैं और माहौल एकदम बढ़िया है। तो गाइस अभी हम कंपटीशन करने वाले हैं, और वो भी शक्ल बनाने को लेकर, मेरे साथ में सतवीर बना है, वो मेरा पूरा साथ देंगे, टोपी लगा ली उन्होंने। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा, स्टेप होता है चालू, अब गाइस ये कंपटीशन मैं जीत चुका हूँ। मेरा फोन है, नहीं बोलूंगा ना। तो गाइस ये कंपटीशन मैं जीत चुका हूँ, सतवीर मना अपनी हार स्वीकार करते हैं? बिल्कुल सर, मैं स्वीकार करता हूँ, तो ये हार गए, मैं जीत गया हूँ। तो आज सबसे अच्छा भंडारा में महसूस हुआ, मजा आ गया, सब्जी, खीर, नान, नान, तीन तरीके की रोटियाँ थी बेहतरीन, और मेरी फेवरेट खीर, शानदार। उसके बाद जो आइसक्रीम मिली ना खाने के लिए, मज़ा आ गया, बेहतरीन। उसके बाद आगे चले थोड़े हम, तो कोल्ड ड्रिंक्स मिल गई 3-4 तरीके की, गाइस बहुत मज़ा आया खाटू श्याम जी मेले में। बस एक दो चीज़ों को छोड़ दें, बहुत अच्छा रहा है। बोलो बाबा श्याम की जय। गाइस ये वीडियो आज से 10 साल बाद में मैं देखूंगा, तो मतलब तब लगेगा कि हाँ वाकई में क्या मज़े किए हमने, क्या क्या चीज़ें खाई हुई हैं हमने पूरे भंडारों में। मैं बहुत सी चाय खाई है, सबसे ज्यादा तो पूड़ी और सब्जी रोटी, पूड़ी सब्जी रोटी का जो मेल था ना वाकई खतरनाक। आदर्श विद्या मंदिर है, और यहाँ पे बैठे हैं हम, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ना हमें पता है कि आगे क्या होगा, और ना हमें ये पता है कि अब क्या होने जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बाबा श्याम की कृपा से। आप लोग भी आइए, ये लोग हैं कुछ हंस रहे हैं, हाय कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो क्या? कैमरा देख के सब शर्मा जाते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से ये लड़का भी शर्मा गया। लेकिन एक बार जरूर आप खाटू श्याम जी मंदिर आओ, और यहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन करो, और एक मन्नत मांग के जाओ, आपको वो मन्नत पूरी होगी सच्चे मन से। जय श्री श्याम, 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 बाय। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि मोस्टली देखा जाए तो भक्तों की भीड़ है आज, बहुत कम हो गई है। पास में सुरेंद्र जी हैं और ये सतवीर बना है। सतवीर जी आपने हमारे साथ खूब रिपोर्टिंग की, बहुत मजा आया आपके साथ काम करने, आपके साथ में भी सर। और क्या एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का, आपसे जानना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा रहा आज, पूरी तरीके से हमने यहाँ पर जो खाटू बाबा हिसाब है, 10 दिन हमारा जो मेला है पूरा महा कवरेज हमने दिखाया था। सुरेंद्र भाई थोड़े चुलबुले हैं, चंचल हैं, इसीलिए थोड़ा सा। ये खाटू श्याम जी मेले में जाने के लिए रेलिंग्स लगाई गई थी, ये जिग जैग इनका नाम दिया था, और अब है पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो गाइस खाटू श्याम जी से अब हम जयपुर आ पहुँचे हैं, और
मेरी लोकेशन देख सकते हैं, रात का वक्त है, करीब 11 बज रहे हैं और अचानक से अब भूख लगी थी तो डोमिनोज आए हैं रात के टाइम और मेरे हाथ में पिज्जा है। और अब जो है जो खाटू श्याम जी मेला ख़त्म हो चुका है और अब हम जो रिपोर्टिंग करेंगे जयपुर में करेंगे।